नमस्कार, मैं हूं क्राम सोलंकी। आप देख रहे हैं निमाड़ का दबंग न्यूज। बड़वानी जिले के जुलवानिया में बिना मास्क का दुकान का संचालन करने वालों पर एसडीएम ने आर्थिक दंड कर चालानी कार्रवाई की, दुकानदारों को समझाइश भी दी। गुरुवार को एसडीएम अभय सिंह ओहरिया ने व एसडीओपी दिवाकर सिंह बघेल की संयुक्त टीम ने नगर में दुकान संचालक व वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर अर्थदंड लगाया गया। वहीं एक दुकानदार की जब चालानी कार्रवाई एसडीएम द्वारा की जा रही थी, तब दुकानदार ने कहा कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं और आपकी एसडीएम राजपुर से बात कराता हूं, जिस पर एसडीएम ने दुकानदार के विरुद्ध डबल चालानी कार्रवाई करते हुए आर्थिक दंड वसूल किया और दुकानदार को बताया कि मैं राजपुर एसडीएम अभय सिंह ओहरिया ही हूं। इस दौरान नायब तहसीलदार लता चौहान, वंदना चौहान, थाना प्रभारी तारा मंडलोई सहित पुलिस स्टाफ मौजूद था। जुलवानिया से अखिलेश साहू की रिपोर्ट। जुलवानिया में जो है हाट बाज़ार और ये जो है दुकानदार रखते हैं और उसमें बड़ी मात्रा में गांव के लोग आते हैं। ऐसी स्थिति में सभी को पहले से कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सभी को इंस्ट्रक्शन है कि मास्क का उपयोग करें और ग्राहकों को मास्क का उपयोग करवाएं और साथ साथ में सैनिटाइजर और हाथ धोने का पानी, साबुन ये रखने के लिए निर्देश दे चुके हैं। उसके बावजूद भी इतनी लापरवाही बढ़ रही थी तो मजबूरन में हमको जो है चालानी कार्रवाई करना पड़ी और जो बिना मास्क वाले हैं उनके जो है 200 रुपये के चालान और जो बिना मास्क के बाइक चला रहे हैं उनको 100 रुपये का जुर्माना वो किया है। आगे भी सर कार्रवाई कंटिन्यू चलती रहेगी क्योंकि कोरोना अभी जो है पीक आउट में है, ख़त्म नहीं हुआ है और ये लोगों के साथ केवल हमको चालानी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होना है, लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जब तक इनको आर्थिक रूप से क्षति नहीं होगी तब तक ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि समझाने की एक सीमा होती है, उसके बावजूद भी नहीं समझ रहे हैं। जब समझदार दुकानदार ही इस टाइप से जो हरकतें करेंगे और लापरवाही बरतेंगे तो सामने वाला जो गांव का व्यक्ति है उनको समझाना तो बड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन गाँव का व्यक्ति समझ रहा है और शहर के और जो दुकानदार बड़े बड़े हैं जो समझदार लोग हैं वही लापरवाही कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हमने जो है पुलिस और प्रशासन, राजस्व, ग्राम पंचायत सभी लोग मिलकर चालान की कार्रवाई कर